शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का मुतालबा, टैक्स कानून पर तहफुजात बरकरार। ताजिर हड़ताल का दूसरा रोज, कारोबार आज भी ठप। शालम आजम क्लॉथ मार्केट, फिरोजपुर रोड, इछरा मार्बल मार्केट में बदस्तूर ताले। बादामी बाग ऑटो पार्ट मार्केट, उर्दू बाजार, अनारकली, अकबरी मंडी, बानो बाजार में कारोबार मुअत्तल। कुंभत रोड पेपर मार्केट, सराफा बाजार समेत होलसेल मार्केट में भी शटर डाउन। जेल रोड समेत तमाम कार डीलर्स भी हड़ताल में शामिल। आज़ादी मार्च का आज़ादी चौक पर पड़ाव, मौलाना फजलुर रहमान के काफिले की रात गए लाहौर में एंट्री। ठोकर न्याज बेग, यतीम खाना चौक, समनाबाद, चुबुर्ची में इस्तकबाल। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने वेलकम किया। JUI पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों में जोशो खरोश, पार्टी परचमों की बहार। दोपहर के वक्त आज़ादी चौक पर जलसा होगा, जलसे के बाद काफिला इस्लामाबाद रवाना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च, CTO की जानिब से ट्रैफिक इंतजाम, 10 DSP, 70 इंस्पेक्टर्स, 140 पेट्रोलिंग अफसरान, 600 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स को तायुनात। सियालकोट गुजरांवाला आने वाली ट्रैफिक वारास्ता कालाशाह काकू मोटरवे सगियाँ बाबू साबू में दाखिले के लिए महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा। शादरा चौक से ट्रैफिक बेगमकोट चौक, अलसई चौक जा सकेगा। CTO की शहरियों को रास्ता FM रास्ता ऐप से रहनुमाई हासिल करने की हिदायत। रमजान शुगर मिल्स पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल के मुकदमात, हमजा शहबाज ख्वाजा बरादरान को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को भी तलब कर रखा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट से रहाई की इस्तेदा, जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में दो रुकनी बेंच दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। अदालत ने मरियम नवाज के वकला नैब प्रोसिक्यूशन को आज बहस के लिए तलब कर रखा है। वालिद की देखभाल के लिए इंसानियत की बुनियादों पर जमानत मंजूर की जाए, मरियम नवाज की इस्तेदा।